हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अवि कुमार, सीनियर कंसल्टेंट है, प्रोनोलॉजिस्ट है। सर हेलो डॉक्टर। हेलो मैम। सर सबसे पहले बताइए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, आम भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा लंग्स का सिस्टम है। जो लंग्स काम करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर सारे शरीर को ऑक्सीजन देते हैं और जो प्रदूषित गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वॉश आउट करते हैं जी। तो आजकल रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत बोलचाल है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हुआ, उसी में निमोनिया हुआ। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है जी। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, खांसी बलगम आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे लक्षण शुरुआत हो जाती है जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। डॉक्टर, हम देख रहे हैं कि आजकल युवाओं में सांस फूलने की बीमारियां, सीढ़ियां चढ़ते हैं हम, आजकल हम लिफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, एस्केलेटर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारे लंग्स जो हैं वो प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर पाते हैं। कैसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए और क्लाइमेट कितना इफेक्टिव कर रहा है हमारे लंग्स को? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। देखिए, एक तो पहली चीज तो मैं यही बोलूंगा कि कोविड ने हमारे 2-3 साल जिंदगी के खत्म कर दिए हैं। उस वजह से हम सारे लोग घर पे बैठे रहे, फिजिकल एग्जर्शन नहीं की, जंक फूड हुआ, जोमेटो स्विगी से सब डिलीवरीज ली और खाया पिया, उस वजह से। दूसरा, कोविड की वजह से भी लंग्स में अफेक्टेड हुए, लगभग 80% पॉपुलेशन अफेक्टेड हुई है कोविड की वजह से। तो उस वजह से जो हमने देखा कि कोविड के अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशंस रही हैं, जो अब हम देख पा रहे हैं कि भाई कोविड की वजह से पेशेंट्स में एलर्जीज बहुत बढ़ गई हैं। जिन लोगों को पहले कभी सांस लेने की दिक्कत नहीं थी, खांसी नहीं था, वो भी अब हमारी ओपीडी में आ रहे हैं, उनको सांस लेने की दिक्कत हो रही है, वीजिंग हो रही है। इसमें एक और चीज डॉक्टर मैं ऐड करना चाहूंगी, जो जिन लोगों को कोविड हुआ, चाहे वो फर्स्ट वेव हो चाहे वो सेकंड वेव हो, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जिन लोगों को, जिन्होंने कोविड टेस्ट नहीं कराया, उन्हें नहीं लगा कि उन्हें कोविड टेस्ट कराना चाहिए, उन्हें कोविड नहीं हुआ ऐसा वो मानते हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सही बताया, क्योंकि काफी पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो यही बोलते हैं कि जी हमें तो कभी कोविड नहीं हुआ, उनको सांस लेने की दिक्कत होती है, हम सीटी स्कैन करवा के देखते हैं, उसमें जो कोविड के जैसे स्कारिंग होती है वैसी वो स्कारिंग हमें मिलती है। तो कोविड ने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, उनकी जो एलर्जीज हैं वो बढ़ा दी हैं, ऑटोइम्यून फिनोमिनाज भी बढ़ गए हैं। तो इस वजह से भी लोगों को एलर्जीज बढ़ने की वजह से भी सांस में दिक्कत हुई है। दूसरा, फिजिकल एग्जर्शन कम हो गया, जंक फूड हमारा बढ़ गया, तो इस वजह से भी हमारे जो हम जल्दी थक जाते हैं, हमारी एक्सरसाइज एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, हम जल्दी इन्फेक्शन पकड़ रहे हैं जी। और एक चीज़ जो अभी हम नया देखने में आ रहा है कि जो कोविड अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाए हुए हैं या फ्लू के वैक्सीन नहीं लगवाए, वो भी वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी पकड़ रहे हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा है हमारे लंग्स को, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को, बहुत ज़्यादा हमारी सांस फूल रही है। मास्क का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं कि भले ही कोविड नहीं है अभी, लेकिन मास्क आप इस्तेमाल करें, लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली NCR में बहुत कम लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉल्यूशन कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है? देखिए, 2 साल हमने देखा था कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा था कि दिल्ली बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब फिर से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, खास करके नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम पे हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर साल का हमने यही देखा है कि भाई पॉल्यूशन लेवल्स नवंबर दिसंबर जनवरी से बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा जो PM2.5 लेवल है वो 350-400 जो नॉट एक्सेप्टेबल लेवल्स होते हैं उन लेवल्स तक पहुंच जाता है। इसके भी कुछ खास कारण हैं। एक तो हमारा दिल्ली का क्लाइमेट ऐसा है कि हवाएं नहीं चलती, बिल्कुल ठंड की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ऊपर ही तह पे रुक जाते हैं। तो हमें तो वही हवा इनहेल करनी है, तो हम उसी वही इन ठंडी हवा और पॉल्यूटेंट एयर हम इनहेल करेंगे तो सांस फूलेगा ही फूलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे वहीकुलर ट्रैफिक बहुत है, उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत है, उस फैक्ट्रीज इतनी हैं उसकी वजह से। चौथी चीज़, जो हमारे फार्मर लोग हैं वो स्टबल बर्निंग कर देते हैं, उस वजह से भी धुआं पंजाब और हरियाणा से दिल्ली में आ जाता है। तो दिल्ली की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से भी ये हर साल हमें ये दिक्कत होती है।
आज हम जैसे देख रहे हैं कि आज थोड़ी हवा चल रही है तो पोल्यूशन अपने आप कम हुआ, क्योंकि पोल्यूटेंट्स ऊपरी तरह से मूव आउट किए तो सांस अच्छा आएगा। अच्छा, ये जांच जो है वो कितने तरीके की होती है? क्योंकि अभी मैं पढ़ रही थी तो बहुत सारी उसमें जांच थी कि जब आप अपने लंग्स की जांच कराते हैं वो अलग अलग तरीके से होती है। हम कब पता चलता है हमें कि अब हमें लंग्स का जांच कराने की जरूरत है क्योंकि अब हमें तकलीफ हो रही है? कैसे लक्षण हो सकते हैं इसके? देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब भी अफेक्टेड होता है तो सबसे पहला सिम्टम जनरली यही होता है कि सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, जरा सा चलने पे सांस फूलना शुरू हो गया, या एकदम रात को आप सोए हुए हो एकदम उठ के खांसी शुरू हुई और सांस फूलना शुरू हो गया, सांस के बाद सीटी बजनी शुरू हो जाती है। सीटी बजनी होती है, जैसे आवाज़ आती है छाती से कि कुछ अंदर सीटी सी बज रही है। तीसरी चीज़ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो खांसी होती है। खांसी नहीं ठीक हो रही जी, काफ़ी लोग आते हैं जी 3-3 महीने हो गए हमें खांसी नहीं ठीक हो रही, खांसी के बाद बलगम भी आना शुरू हो जाता है, छाती में जकड़न रहती है, यहाँ पे लगता है कि कुछ बहुत देख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं कि खांसी के साथ उन्हें छींके भी आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ नया है? ये देखिए जल्दी, ये एलर्जी ही है, एक तरह की एलर्जी की वजह से ही पहले हमारे अपर एयरवे सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। अपर एयरवे में जल्दी नाक बंद होना, नाक बहना, छींके आनी, फिर खांसी आनी शुरू हो जाती है, फिर ये ठीक नहीं होता तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो सांस में साई साई की आवाज़ सी आने लगती है, छाती में जकड़न सी लगती है, फिर तो बैठे बैठे ही सांस फूलना शुरू हो जाता। तो ये सारे सिम्टम्स एकदम नहीं आएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि हमारे सिम्टम्स नहीं ठीक हो रहे हैं 3-4 दिन में, तो अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क करिए। अलग अलग हम टेस्ट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, नाक का एक्सरे करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें फूंक मार के सांस का टेस्ट होता है, जिससे ये पता लग जाता है कि आपके लंग्स में कितनी ताकत है जो कि आपके नॉर्मल आदमी की होनी चाहिए, उससे आपका कंपैरिजन हो जाता है। तो वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है और ज़्यादा उसमें दिक्कत भी नहीं होती, पेशेंट्स ज़्यादातर कर लेते हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह हमारे लंग्स इस टाइम पर फंक्शन कर रहे हैं। डॉक्टर, एक और बहुत कॉमन सा सवाल है, बहुत जनरल सा है, क्योंकि आज का युवा बहुत ज़्यादा नशे की तरफ बढ़ रहा है, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हमने देखा है कि आपको हर गली हर नुक्कड़ पर लोग जो है स्मोकिंग करते हुए दिख जाएंगे। स्मोकिंग जो कर रहा है वो तो इफेक्ट कर ही रहा है अपने लंग्स को, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है उसके भी लंग्स ठीक नहीं है। कितना ज़्यादा हार्मफुल है अल्कोहल हो या स्मोकिंग करना हो? देखिए, लंग्स के लिए अल्कोहल की बजाय स्मोकिंग बहुत हानिकारक है ना। स्मोकिंग तो पहले ही हमारा दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण इतना है, हम वैसे ही पैसे इनहेल कर रहे हैं, है ना। दूसरा, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। रिस्क जैसे कि उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है, फिर COPD नामक एक डिसीज़ होती है जिसको कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, उसमें आपके परमानेंटली जो सांस की नली होती है वो छोटी हो जाती है, तो उस वजह से आपको चलने पे सांस फूलना, ऑक्सीजन कम हो जाना, ये क्रॉनिक डिसीज़ है, सांस की रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। जो लोग स्मोकिंग अत्यधिक करते हैं 20-25 साल, उन लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। कंटिन्यूटी में करते हैं तो आपका स्मोक जो अंदर होता है वो सांस की नली में जो चेंजेस ला देता है कि स्मोक सांस की नली छोटी हो जाती है, उसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाती है। फिर जो स्मोकिंग लोग करते हैं उनमें दमे का रिस्क भी बढ़ जाता है, उनको एलर्जीज भी बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे अगर स्मोकिंग बंद नहीं हुई तो आखिर में लोगों को ये भी देखा जाता है कि कैंसर तक भी लोग पहुंच जाते हैं। लंग्स कैंसर, अभी कुछ देर पहले मैं पढ़ रही थी, लंग्स कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, आपने भी बताया मुझे, इसको रोकने के लिए क्या हम कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और ट्रीटमेंट में खर्च कितना आता है? क्योंकि लोग देखिए, बात हम हायर क्लास लोगों की करें वो तो कहीं भी जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं हमारे इंडिया में, लेकिन जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनके लिए या तो वो एम्स जाएंगे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें थोड़ा सा छूट मिल जाता है, या बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलता है, लेकिन फिर भी उतना अमाउंट पे करना लोगों के लिए, तो थोड़ा सा अगर वो समझा दें आप मुझे। तो देखिए, लंग कैंसर का जो अत्यधिक जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो स्मोकिंग होता है। जनरली जो स्मोकर्स होते हैं उनमें लंग कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना।
तो और ये जो लंग कैंसर का दिक्कत यही होती है कि बहुत जल्दी बढ़ जाता है, फैल जाता है। आज लंग कैंसर लंग में है, कल को पता लगा लिवर में पहुंच गया, या कितना ये कितना टाइम पीरियड, या जनरली कुछ कुछ देखो कुछ कुछ लंग कैंसर्स होते हैं जो बहुत जल्दी फैलते हैं अगर पकड़ में ना आए, जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमास होते हैं, वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं, 3 महीने में ही आप देखोगे कि दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाएंगे या हड्डियों में पहुंच जाएंगे, हड्डियों तक भी पहुंच सकता है लंग कैंसर, रीढ़ की हड्डी में भी पहुंच जाते हैं वो तो। और कुछ कैंसर होते हैं वो स्लो होते हैं, एडिनो या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास होते हैं। तो स्मोकर्स में जनरली ये होता है कि भाई स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास होते हैं, तो हम जो स्मोकिंग करते हैं उनको अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से निरंतर उनके टच में रहना चाहिए, अपने पल्मी फंक्शन टेस्ट और सीटी स्कैन करवाते रहना चाहिए कि कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि स्मोकिंग अपनी बंद कर देंगे तो रिस्क भी कैंसर का कम हो जाता है। तो स्मोकिंग की बात हो गई, खान पान कैसे रखना चाहिए हमें, क्योंकि आज की भागती दौड़ती लाइफ में यंगस्टर्स हो या आज की गृहिणी भी, मतलब अभी के जो यंगस्टर्स हैं वो यही सोचते हैं कि फटाफट हमें कुछ फ्रोजन फूड मिल जाए या कुछ प्रिजर्वेटिव मिल जाए, हम तो वही ले रहे हैं अभी। नहीं देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी चीज़ें के बारे में सोच भी सके। तो एक चीज़ जो सबसे आसान रहती है वो अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना, पानी खूब पीजिए। देखिए पानी खूब पीते रहेंगे तो आपका ये सिस्टम ठीक चलता जाएगा, हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, वायरल इन्फेक्शन से भी बचाव रहेगा, आपकी बॉडी अच्छी फंक्शन करेगी। दूसरा, फ्रूट्स आप इजिली ले सकते हो, फ्रूट्स में ज़्यादा आपको कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपको जो भी अच्छा फ्रूट साफ सुथरा फ्रूट आप ले सकते हैं वो आप लीजिए। हमने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सुना है, भारत में तो अब कॉमन हो गया है किडनी ट्रांसप्लांट, नी ट्रांसप्लांट, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हमने बहुत सुने हैं, अब वो भी कॉमन हो रहा है भारत में, लेकिन लंग्स ट्रांसप्लांट जो है वो थोड़ा सा कम लोगों में अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, ये कैसे होता है, इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से कितना ज़्यादा सपोर्टिव हॉस्पिटल को रहती है गवर्नमेंट, और ये कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, कितनी इसकी लाइफ है? देखिए, जो लंग ट्रांसप्लांट है हमारे इंडिया में अभी काफ़ी अर्ली स्टेजेस में है, अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, साउथ इंडिया में लीडिंग रहा है, काफ़ी हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। जनरली जो लंग ट्रांसप्लांट होता है वो इंटरस्टीशियल लंग डिसीज पेशेंट्स में ज़्यादातर इंडिकेशन होती है, जिन लोगों की ऑक्सीजन नहीं ठीक हो पाती, या सीवियर सीओपीडी पेशेंट्स होते हैं, या ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स हैं जिनके लंग्स बहुत ही ख़राब होते हैं, और जो 65 ईयर से यंग होते हैं। अभी तक आपने कोई ऐसा केस देखा हो किसी यंगस्टर को, जैसे 20 या 30 या 35 तक किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी हो? कोविड के दौरान हमारे काफ़ी पेशेंट्स को लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी थी, उनमें से कुछ बचे भी हैं। तो ये है कि लंग ट्रांसप्लांट अभी अर्ली स्टेजेस में है, रिजल्ट्स जैसे 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 बेटर होती जाएंगी चीज़ें तो और बेटर होते जाएंगे, है ना। ये बाहर के मुल्कों में काफ़ी पुराना है ये लंग ट्रांसप्लांट, तो काफ़ी लोग पहले से ही अवगत हैं, वहाँ पर जो लंग ट्रांसप्लांट पोस्ट लंग ट्रांसप्लांट 5 से 10 साल तक लोग आराम से अपनी लाइफ्स जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। तो ये है कि जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो लंग ट्रांसप्लांट का भी बोलचाल बढ़ता जाएगा। और मैंने पहले भी आपसे पूछा है, एक बार फिर से पूछ रही हूँ, क्योंकि दर्शकों के लिए ज़रूरी है कि अगर आप लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर से पूरा एकदम कंसल्ट करते हैं, कितना आपका खर्च आएगा? देखिए, अभी लंग ट्रांसप्लांट काफ़ी खर्चेदार चीज़ है, उसमें जनरली 25 लाख से 50 लाख तक का खर्चा भी हो जाता है। तो ये है कि अभी क्योंकि अर्ली स्टेजेस हैं तो महंगा है, जैसे जैसे ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी तो रेट भी कम होता रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी सुविधाएं आएंगी तो अपने आप चीज़ें सस्ती होंगी। आप लोगों में अवेयरनेस कैसे लेकर आ रहे हैं कि अपने लंग्स को मजबूत रखें? देखिए, आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, वर्कआउट करिए, योगा करिए, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम देखिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लंग्स के लिए, तो मैं डॉक्टर आप हैं और उसी के नाते मैं पूछ रही हूँ कि योगा तो हम कर रहे हैं लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, भागते दौड़ते जिंदगी में हम जिम ही चले जाते हैं, लेकिन लंग्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा? जो नौजवान लोग हैं, लंग्स के लिए तो यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि अपना आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए। आधा घंटा आप अपने शरीर को दे देंगे, अपनी कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, चाहे भाग लेंगे, चाहे जिम कर लेंगे, चाहे कुछ खेल भी लेंगे, दे वुड डू फाइन, आपके लंग्स अच्छा काम करेंगे। खाने पीने में अपना प्रदूषण से बचाव रखिए,
खाने पीने में पानी खूब पीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, हेल्दी डाइट होती है वो खाइए, और आधा घंटा अपने शरीर को देंगे तो शरीर आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा। पानी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं बार बार कि हाइड्रेट रखना बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम समर्स में तो हमें प्यास लगती है, पसीना बहता है तो हम खूब पानी पी लेते हैं, लेकिन विंटर्स में हमें पसीना नहीं आता है, हम पानी भी अवॉइड कर देते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लेकिन लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हमें सर्दियों में कितना पानी पीना चाहिए, और पानी इसलिए पूछ रही हूं मैं क्योंकि दिल्ली और NCR में जो लोग रह रहे हैं उनको प्योर या साफ पानी नहीं मिल रहा है, RO का हम पानी पी रहे हैं, वो कितना सेफ है लंग्स के लिए? नहीं देखिए, RO का पानी तो साफ सुथरा है, हाँ बाहर किसी भी जगह से मत अपना पानी पीजिए, क्योंकि पानी प्रदूषित होगा तो उसकी वजह से भी पेट में दिक्कतें हो जाएंगी। जो किडनी डिसीज पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर्स ने बोला होता है कि पानी ज़्यादा नहीं पीना, या हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको पानी नहीं पीना, तो जिस तरह आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया उसी तरह आपने पानी रखना है। हाँ, ये पानी ज़्यादा पीने का नौजवान लोगों के लिए है, क्योंकि जो उनको किसी को डिसीज नहीं होती तो वो अपना पानी खूब पियेंगे, आपका सिस्टम ठीक चलता रहेगा, आपकी जो बॉडी है वो अच्छा काम करेगी, वायरल इन्फेक्शंस आप कम कैच करेंगे, चीजें ठीक चलती जाएंगी। अच्छा, इसको लेकर मिथ क्या है डॉक्टर? हम देखते हैं कि बहुत लोग ना मिथ्स भी बहुत पाल के रखते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लंग्स अगर आपके खराब हो रहे हैं या कुछ ऐसे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्या हार्ट तक वो प्रॉब्लम पहुंच सकती है? देखिए, बॉडी तो पूरा एक तरह का इकट्ठी चलती है, अकेले नहीं चलती। जैसे लंग्स हैं तो हार्ट भी साथ ही चलेगा, अगर हार्ट में दिक्कत होती है तो लंग्स में भी दिखती है चीज़, अगर लंग्स में दिक्कत होती है वो हार्ट पे भी दिखती है। तो हार्ट को, अगर लंग्स कमज़ोर हैं आपके तो हार्ट पे भी प्रेशर आता है, उसके प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको चीज़ें अनुकूल करनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, कभी ऐसा नहीं होता अगर लंग्स में इन्फेक्शन होगी तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे, आपके किडनीज पे भी दबाव आ जाएगा, ठीक है ना, और आपके हार्ट पे भी दबाव आएगा। तो ये चीज़ें तो एक बॉडी हमारी ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है कि सारे ऑर्गन्स इकट्ठा काम करते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक दूसरी दिशा में जा रहा है तो एक पहली दिशा में जा रहा है। और एक और बात बहुत छोटी सी है लेकिन ज़रूरी है, आजकल हम देख रहे हैं कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, हमें लिफ्ट की आदत है, एस्केलेटर की आदत है, जैसे कि पहले ही मैंने पूछा, लेकिन अगर कोई भी यंगस्टर दो फ्लोर चढ़ रहा है तो वो वहीं बैठ जाता है, उसमें कितना रोल है? क्या हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे लंग्स में कुछ तो प्रॉब्लम है, हमें डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, दोनों दो चीज़ें हैं इसकी, एक चीज़ तो यही है कि हमारी एक्सरसाइज टॉलरेबिलिटी कम है ना, हमारी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाए, तो अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा तकलीफ देनी पड़ेगी आपको, अपने शरीर को आधा घंटा देना पड़ेगा कि भाई आपकी मसल्स काम करें, आपकी बॉडी काम करे। जैसे जैसे आप अपने बॉडी को, शरीर को टाइम देंगे, आपकी एक तो यही है कि फैट कम होगा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आपकी एक्सरसाइज टॉलरेबिलिटी, एक्सरसाइज ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो अपने आप ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई सांस फूल रहा है या सीटी बज रही है, तब आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। ओके डॉक्टर, तो आगे भी हम डॉक्टर से ही चर्चा करते रहेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। गोंद स्याह, जोड़ों के दर्द का प्राकृतिक इलाज। गोंद मोरिंगा, चमकती त्वचा और सुंदर घने बालों का राज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रवि कुमार, और बहुत सारी बातें हमने की है लेकिन कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के बारे में आप बात कर रहे थे, किस तरह की वैक्सीनेशन होनी चाहिए और कब पता चलता है हमें कि हमें वैक्सीन लगाना चाहिए, चाहे वो फ्लू की हो या फिर कोरोना वैक्सीन भी लगी है, उसके बाद कितना लंग्स पे असर दिखा है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि वैक्सीन से लोगों को फर्क पड़ रहा है, मिथ भी हो सकता है। देखिए, कोविड की वजह से जो कोविड वैक्सीन ने तो बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी लोगों को बचाया है, और अभी जहाँ तक चाइना अभी तक जूझ रहा है कोविड से, हम लोग आराम से बिना मास्क के हम बाहर देखते हैं कि घूम रहे हैं, तो ये सब हाइब्रिड इम्यूनिटी जो हम कहते हैं कि भाई हमें इन्फेक्शन हो गई प्लस हमारी वैक्सीन की इम्यूनिटी की वजह से ही हम लोग अभी तक कोविड में अच्छा काम कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं अभी स्ट्रेस देना चाहता हूँ वो लोग हैं कि फ्लू की वैक्सीन है जो एल्डरली पेशेंट्स में आते हैं, जिन लोगों को ब्रोंकियल एस्मा है, मॉडरेट ब्रोंकियल एस्मा रहता है, या COPD है जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, या जिन लोगों को
हार्ट की दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है या लिवर की दिक्कत है, जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको सालाना अपनी फ्लू की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। जो हम आजकल का ट्रेंड देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड ये फ्लू इन्फेक्शंस लोगों में काफ़ी बढ़ गई है, लोग निमोनिया लेकर आ रहे हैं, लोग वीजिंग लेकर आ रहे हैं, बार बार हमारे हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ गए हैं, तो ये चलन इसी वजह से हो रहा है कि जिन लोगों ने फ्लू की वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जल्दी इस वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं और वो पकड़ रहे हैं। और अवेयरनेस नहीं है लोगों में फ्लू का वैक्सीनेशन, लोगों को पता ही नहीं, आधे लोगों को बिल्कुल, आप जानते हैं मैं जानती हूँ, लेकिन आम जनता जो है, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो लोकल्स में रहते हैं, उन लोगों को नहीं पता, कैसे वो जागरूक हो। खास कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो देखिए, हमारे जो वैक्सीन्स हैं जो हम अपने रेस्पिरेटरी पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं वो होता है फ्लू का वैक्सीन, जो सालाना लगता है, अक्टूबर नवंबर में हम लगवाते हैं, पूरा साल उसको काम करते हैं, फिर अगले साल अक्टूबर नवंबर में फिर से लग जाता है। कितना खर्चा आता है इसमें? जल्दी जो 1200 के आसपास की ये वैक्सीन है। दूसरी चीज़ होती है निमोनिया के वैक्सीन होती है, जो निमोनिया से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, जो ये वैक्सीन हमें लगती है तो इससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो बेटर हो जाती है और जल्दी निमोनिया हम नहीं पकड़ते हैं। उसको जनरली दो तरह की निमोनिया वैक्सीन आती हैं, तो वो वैक्सीन भी जो एल्डरली लोग हैं 65 से अबव हैं वो अपना लगा सकते हैं। एक वैक्सीन तो वंस इन अ लाइफ टाइम होती है और दूसरी वैक्सीन 5 साल में रिपीट करनी होती है। तो जो जनरली जो इन वैक्सीन की वजह से लोग जल्दी निमोनिया नहीं पकड़ते हैं, निमोनिया के अगेंस्ट उनको एक तरह की इंश्योरेंस मिल जाती है या इम्यूनिटी बढ़ जाती है, लड़ने की शक्ति मिल जाती है, जिस वजह से वो जल्दी इन्फेक्शन और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते। इम्यूनिटी, ये शब्द हमने बहुत सुना कोरोना टाइम पे, 4 सालों से हम ये शब्द बहुत सुने, इम्यूनिटी मजबूत करिए, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इस पर बहुत प्रेशर डाला गया। लोग समझे इस बात को, लोकल लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंची, जो हायर क्लास लोग हैं उनको तो पहले से ही वो अपने खान पान को लेकर बहुत ज़्यादा चूजी रहते हैं, ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं। अपना इम्यून सिस्टम कैसे हम बढ़ाएं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और एक और सवाल से मैं ऐड करूंगी डॉक्टर, कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं और उससे लंग्स पे कितना असर पड़ता है, और ये क्या जेनेटिक भी होता है? अगर जेनेटिक है तो फिर इसका इलाज कैसे पॉसिबल है? देखिए, एक तो यही है कि जैसे मैं पहला दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि ब्रोंकियल अस्थमा जनरली जेनेटिक होता है, जो पेरेंट जिनको पेरेंट्स को होता है वो ज़्यादा चांस होता है कि बेबीज को भी उनके हो, है ना। दूसरा, ये लंग एक तरह की एलर्जी है जिसमें सांस की नली आपकी थोड़ी सी छोटी हो जाती है। इसका बहुत अच्छा इलाज है, साइंस ने बहुत अच्छे तरक्की कर ली है, जिससे लोग अपना इनहेलर, जिसको कहते हैं कि इनहेलर से आदत ना पड़ जाए हमें, बट उसमें इतनी कम मात्रा में दवा मिलती है कि आपकी सांस की नली आराम से वापस खुल जाती है, आपके सिम्टम्स सारे गायब हो जाते हैं। तो पेशेंट्स को जो रिलीफ होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इन्हेलर लेने से बिल्कुल मत डरिए, उसमें दवाई की मात्रा इतनी कम होती है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, उससे आदत नहीं बढ़ती और आपके जो सिम्टम्स होते हैं जो सांस के वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज़, किस तरह हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? पहली चीज़ तो अपना आधा घंटा अपने शरीर को जरूर देना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने चाहे वॉक, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, चाहे जिम में कर लीजिए, चाहे कुछ खेल लीजिए जिससे आपको मनोरंजन मिलता हो। दूसरा, अपना खान पान पे ध्यान रखना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पानी खूब पीना है। ऑर्गेनिक फूड कितना असरदार होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, अब कोविड के बाद से हम ऑर्गेनिक चीजें, वीगन फूड, इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, खाना पीना सब अच्छा होता है, बस साफ सुथरी जगह से लीजिए। आप अपना यही है कि भाई ऐसा ना हो कि खराब जगह से लीजिए, फिर पेट खराब हो गया, फिर समस्या कुछ नई शुरू हो गई। तो अपना साफ सुथरा जगह से लेंगे तो अपनी चीजें आपकी ठीक चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, बहुत देर से मेरे जहन में था, फेफड़ों में गांठें पड़ना, लोग इसे कैंसर समझते हैं, कई बार होता है कि कैंसर समझ लेते हैं, कितना अंतर है? वाकई गांठ पड़ना कैंसर का लक्षण है, एक फर्स्ट स्टेज है? देखिए, जब अगर गांठ पड़ती है उसका हम जल्दी उस पर नज़र रखते हैं। गांठ पड़ना कभी कभी कुछ गांठों की इस तरह होती है रूपरेखा के वो लगता है कि भी बेनाइन है, जैसे सोई हुई हैं, उसमें हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते। हाँ, कुछ गांठें होती हैं जिनका लगता है कि भी ये आक्रामक रूप ले सकती है आगे आने वाले फ्यूचर में, तो उसके लिए हम हमेशा इन्वेस्टिगेट करते हैं, पेशेंट्स को समझाते हैं कि भाई हमेशा फॉलोअप में रखना है, या अपना पेट सीटी करवाना है, या सीटी हर 6 महीने या 3 महीने में करवाना है, कि देखना है कि उसका तो नहीं बढ़ रहा। तो ये
जो उसकी गांठ पड़ना होता है हर एक दो तरह की होती है, एक सोई हुई जिसको कहते हैं बेनाइन और एक जो आक्रामक रूप धार सकती है उसको कहते हैं मेलिग्नेंट। तो वो नड्यूल्स अपने डॉक्टर से मिलकर एक बार उनसे परामर्श लेकर वो आगे उस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो कैंसर का रूप ले सकती है आगे चलकर। देखिए जो सोई हुई बेनाइन होती हैं वो तो नहीं लेती हैं, जो जिनको आक्रामक जिस तरह की उनकी होती प्रवृत्ति होती है वो ले सकती हैं। तो उसमें हमेशा अपने पल्मोनोलॉजिस्ट का एक कंसल्ट लेते रहिए, बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। और डॉक्टर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतनी सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों को इतनी तमाम चीज़ें बताई हैं, क्योंकि अवेयरनेस लंग्स को लेकर नहीं है, हम धूम्रपान की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं इतनी कोशिशों के बावजूद भी। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने दर्शकों को बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है कि हम कैसे अपने लंग्स का ध्यान रखें, गांठें पड़ रही हैं तो कैसे ट्रीटमेंट लें उसका, अपने डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। उम्मीद है आप सभी को ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो एपिसोड है, जो स्पेशल था, कैसे आप अपने लंग्स को अच्छे से रख सकते हैं, कैसे आप अपने लंग्स का ख्याल रख सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं खुद में भी और दूसरों में भी है। आगे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, किसी और मुद्दे पर बात होगी, किसी और दिन चर्चा होगी। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।